अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैंने ये एक प्यारा सा किचन आपको बनाना सिखाना है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत किचन बनेगा ये। आप इसको बैग्स वगैरह पे हैंग कर सकते हैं और किचन वगैरह के साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए मैंने ये पर्पल एंड लाइट ग्रीन कलर की वूल यूज़ की है। आप इसके लिए पर्पल की जगह पे कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप रेड येलो या कोई सा भी कलर ग्रेप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 3.5 mm क्रोशे हुक का यूज़ किया मैंने। ये सिल्की यार्न है मेरे पास, दोनों सिल्की वूल्स हैं। और इसके साथ जी हमें एक सीजर की ज़रूरत होगी कटिंग के लिए। ठीक है जी, तो चलें अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसका तरीका बहुत ही ईजी है। सबसे पहले जी हमने एक मैजिक सर्कल बनाना है और मैजिक सर्कल का तरीका मैं आपको बारहा सिखा चुकी हूँ। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ कि मैजिक सर्कल कैसे बनेगा। आपने यूं वूल को पकड़ना है और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको ये ऊपर से ही ऐसे मोड़ लेना है। फिर यहाँ से आपने वूल को पकड़ लेना है, यहाँ से ये ऐसे होल्ड करेंगे और इसके अंदर से हम एक लूप निकालेंगे। ठीक है जी, इस लूप से हम एक चेन बनाएंगे और फिर दो एक्स्ट्रा चेन इसके ऊपर। ये जी हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया कहलाएगा। इसके बाद हमने एक और डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम 12 डबल क्रोशियाज टोटल बनाएंगे, 12 डबल क्रोशियाज। ठीक है जी, ये 12 डबल क्रोशियाज हम इस सर्कल पे बना लेंगे और जिस साइड पे आपकी दो वूल्स हैं उसी साइड पे दो वूल के धागे हैं उस साइड पे आपने बनाना है, सिंगल वूल वाली साइड पे नहीं बनाना। ये देखिए जी, ऐसे हम बनाते हुए इसके 12 डबल क्रोशियाज कंप्लीट कर लेते हैं। इसको टाइट करेंगे और ये काउंट कर लेते हैं जी। अब हमने ये जो हमारी फर्स्ट 3 चेन ली थी, सबसे ऊपर वाली चेन के अंदर इंसर्ट करके हुक को स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखें जी, ये स्लिप स्टिच ले लिया हमने। अब ये ग्रीन कलर की वूल का काम ख़त्म हो गया, ये जस्ट हमने इतना ही बनाना था। ठीक है, ऐसे जस्ट हमने 12 डबल क्रोशियाज ही बनाने थे। हम एक चेन ले कर इसका धागा काट देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम धागा काटेंगे और फिर हम पर्पल वूल को इसके साथ अटैच करते हैं। ये देखें, इसको हमने यूं डबल करके यूज़ करना है। इसको ये टाइट कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये स्टेबल हो जाए। ये देखें, ये हमारा टोटल 12 डबल क्रोशियाज हैं। ये 6 सामने की साइड पे आएंगी और 6 बैक साइड पे आएंगी। और ये जो इसके डबल क्रोशियाज के दरमियान में स्पेस है, ये देखें जी, ये जो बड़ी वाली लंबी वाली स्पेस है, ये टॉप पे जो लूप्स हैं उनमें से नहीं हमने निकालना, ये बड़ी वाली स्पेस में से हमने डबल क्रोशियाज पर्पल कलर वाले निकालना है। ठीक है, तो पहले हम पर्पल वूल को अटैच करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे हमने बनाना है। ये देखें जी, सबसे पहले हम इसका एक यहाँ पर स्लिप नॉट ले लेंगे। तो इस लूप को हम कैसे अटैच करेंगे, इसमें यहाँ पर ये सेकेंड वाले में ये वाला जो हमारा गैप है इसमें हुक इंसर्ट की और ये इसके यूं खींच लिया इसके अंदर से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद हमने ये जो पीछे हमारे पास वूल छोटी सी बची थी स्टार्टिंग की, इसको हमने खींच लेना है अच्छे से। अब दो चेन और बनाएंगे और इसी गैप के अंदर दो डबल क्रोशियाज और बना लेंगे। जहाँ हमने ये 3 चेन बनाई है ना, इसी गैप के अंदर हम दो और डबल क्रोशियाज बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशियाज आ जाएंगे। 3 चेन एक डबल क्रोशिया कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, और ये देखें जी, ये हमारे पास दो डबल क्रोशियाज और आ गए। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 डबल क्रोशियाज हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा थ्रेड है हम इनको काट लेंगे। ये देखें जी, हम यहाँ से इसको साथ से, ये दोनों लॉक्ड हैं इसलिए हमें इनको टेंशन नहीं है काटते हुए, दोनों को अच्छे से हमने ज्वाइंट किया हुआ है। ये देखें जी, ये इसको हमने काट दिया। अब ये देखें, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसमें से क्रोशिया निकाल लेना है। और ये जो पहले हमने 3 चेन ली हैं, इसमें जो सबसे ऊपर वाली चेन है इसमें हमने हुक इंसर्ट करनी है। ये देखें यहाँ पे, और ये जो लूप हमने छोड़ा ना एंड पे तीसरे डबल क्रोशिया का, इसको लूप को इसके अंदर ऐसे हुक में डाल के तो खींच लेना है। ये देखें, ये इस पे से निकाल लेना है। ठीक है जी, डायरेक्ट निकाल लेना और इसके ऊपर दो चेन्स बना लेनी है। ये दो चेंज हो गई। अब हम नेक्स्ट जो हमारा गैप है उसके अंदर 3 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया का जो गैप है उसके अंदर 3 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। ये देखें जी, ये यहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशियाज बना लिए। अब फिर से हमने क्या करना है, जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये देखें जो ये हमें चेन नज़र आ रही है इसमें हुक इंसर्ट करेंगे और ये वाला लूप इसके अंदर अटका के यूँ
खींच लेंगे, निकाल लेंगे, टाइट करेंगे इसको अच्छे से और इसके ऊपर फिर से दो चेन बना लेंगे। ठीक है जी, ये देखें ये वन एंड टू, दो चेंज हो गई। इसी तरह नेक्स्ट वाले गैप के अंदर हमने ऐसे करना है। और ये गैप आपने जो बड़े गैप्स हैं नीचे वाले उनके अंदर आपने बनाना है, आपने जो ऊपर छोटे दो लूप्स होते हैं उनके अंदर नहीं बनाना। ठीक है जी, ये देखें जी यहाँ से हम इसको हुक इंसर्ट करेंगे और इस लूप को खींच लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास तीन पॉप्स बन गए हैं इसके, तीन ग्रेप्स हमारे पास बन गए हैं। अच्छा जी, दो चेन्स लेके हम अगले में फिर ये देखें यहाँ से नीचे से हमने इसको इंसर्ट किया और एक डबल क्रोशिया बनाया पहले। ये देखें जी, ये बड़े वाले गैप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा बनाया और तीसरा बना दिया, ये तीसरा हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास फिर से तीन डबल क्रोशियाज आ गए। अब फर्स्ट डबल क्रोशिया के टॉप पर हमने वो हुक इंसर्ट किया, वूल इसमें से यूँ निकाली और इसको अच्छी तरह टाइट करके दो चेन्स बना दी इसके ऊपर। ये हमारे पास आगे हैं जी चार पॉप्स, चार हमारे जो हमने ग्रेप्स बनाए। अब इसको एंड तक बनाना है, हमने यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जी हमारे पास अब 12 पॉप्स बन गए हैं, 12 ग्रेप्स बन गए हैं हमारे। ठीक है जी, तो ये हमने दो चेन्स एंड पे लेनी है और इसको टॉप पे यहाँ पर थर्ड चेन के अंदर ज्वाइंट कर देना है। ठीक है जी, अब ये हमने क्या करना है, हमने इसको ये जो हमारा नेक्स्ट होल है इसके अंदर स्लिप स्टिच ले लेना है। स्लिप स्टिच लेने के बाद हमने फिर से यहाँ पर पॉप्स बनाने हैं और अब थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि ये चेंज कैसे आएगा। फर्स्ट इस वाली पर्पल रो के मुताबिक ये नहीं बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। ये देखें जी, हमने तीन डबल क्रोशेज बनाया ना, पहले हमारे पास 6 फ्रंट पे और 6 बैक पे आए थे डबल क्रोशेज, जैसे कि मैंने आपको बताया हाफ फ्रंट पे आएंगे हाफ बैक पे, ये 6 हैं। अब हमारे 5 डबल क्रोशेज बनेंगे, यहाँ पर 5 डबल क्रोशेज के 3 बंचेस बनेंगे। जैसे कि ये देखें, ये मैं फर्स्ट बना रही हूँ, ये हमारा पहला ग्रेप बन गया। अब हमने इसके आगे ये दो चेन लेके 5 टाइम्स इसको रिपीट करना है, टोटल 5 टाइम्स हो जाएंगे। इसके बाद हम 4 दफ़ा और बनाएंगे। ये देखें जी, ये सेकेंड वाला हमारा ग्रेप आ गया। तो इसी तरह हम करके इसको 3 दफ़ा और बनाएंगे। ठीक है, ये हमने टोटल 5 टाइम इसको बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये नेक्स्ट वाला गैप है इसको स्किप कर देना है और इससे अगले वाले गैप के अंदर हमने फिर से एक ग्रेप बनाना है, एक पॉप स्टिच बनाना है। ये देखेंगे, उसी तरह हमने दो चेन लेके यहाँ पर 3 डबल क्रोशियाज ले लिए और इनका एक पॉप बना लिया। ये देखें जी, ये 2 डबल क्रोशेज, ये 3 हो गए। अब इनका हम ये ग्रेप बना लेंगे, इनको हुक को यहाँ इंसर्ट करेंगे और ये वाला लूप यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, दो चेन लेंगे और इसी तरह हम दोबारा से 4 डबल क्रोशेज, सॉरी 5 डबल क्रोशेज बना लेंगे ये। ठीक है, ये 5 डबल क्रोशेज यहाँ तक बना के हम, मैं फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ तक हम बनाएंगे। ठीक है जी, ये अब मैंने बना लिए हैं, एक साइड पे भी ये 5 हो गए हैं और ये गैप वाला था ये यहाँ पर स्पेस आ गई है और इसके बाद भी है ये हमने 5 पॉप्स बना लिए, 5 ग्रेप्स बना लिए, 2 चेन्स ले ली हमने लास्ट में। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट 3 चेन्स थी ये वाली, इसके हम टॉप पे यहाँ पर, यहाँ नहीं करना हमने, ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ अटैच करना है, इसको यहाँ नहीं अटैच करना इसको, ये देखें ये इधर ऊपर की साइड पर अगर आप देखें, ये इस जगह पर इसको अटैच करना है। ठीक है जी, इसके ऊपर जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा ना, ये स्टिच, इसके ऊपर अटैच करना है आपने। ये जब आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी, ऊपर नज़र आ जाएगा आपको अपने वक्त में। नेक्स्ट, अब फिर से हम स्लिप स्टिच लेंगे अगले वाले होल के अंदर, तो इसके अंदर फिर से हम एक पॉप स्टिच बनाएंगे और हमारा फर्स्ट ग्रेप है ये जी पर्पल की 3rd रो का, तो ये फिर से हम ऐसे ही प्रोसेस उसका दोहराएंगे। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट ग्रेप आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पहले 6 थे फिर 5 और अब इस रो में 4 ग्रेप्स बनेंगे। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारे 6 ग्रेप्स थे, ये हो गए। सेकंड रो में हमारे 5 ग्रेप्स थे, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, ये सीधा हो गया जी। ये अब हम काउंट करते हैं तो ये हमारे 1 2 3 4 5, ये जो हमारे 5 ग्रेप्स आ गए।
ठीक है, पांच यहाँ पर हमारे ग्रेप्स बन गए। अब यहाँ पर चार बनेंगे, उसके बाद तीन बनेंगे, फिर दो बनेंगे और फिर लास्ट में एक बनेगा। तो हर दफ़ा जब आप ये वाला एक एक स्किप करते जाएंगे ना साइडों वाला, तो आपका इसी तरह एक एक ग्रेप कम होता जाएगा। ये मैंने चार बना लिए हैं। अब ये दो चेन लेके फिर से हम यहाँ पर ये वाला दरमियान वाला स्किप करेंगे और ये पीछे वाले में फिर से बनाते हुए चार ग्रेप्स बना लेंगे। ठीक है जी, अब ये देखें, ये हमारा फर्स्ट पॉप स्टिच है, ये बैक साइड वाला है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लूप इसमें से निकाल के खींच लेंगे और फिर वही वाला प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। अब ये देखें जिस साइड पे भी हमारे चार बन गए। अब इसको फिर हमने जॉइंट कर देना है टॉप स्टिच के अंदर। यहाँ ये जी, ये टॉप स्टिच है, इसके अंदर हमने यहाँ पर इसको जॉइंट कर देना है, जोड़ देना है। फिर अगले वाले में हमने इसका स्लिप स्टिच लेना है और अब हमने यहाँ पर इस रो में फ्रंट एंड बैक साइड पर तीन तीन ग्रेप्स बनाने हैं, तीन तीन पॉप स्टिच बनाने हैं और इन तीनों पॉप स्टिच को हमने एक एक साइडों पर गैप दे के बनाना है, जैसे कि ऊपर हम बनाते आए हैं। तो इसी तरह हर रो में, हर लाइन में एक एक ग्रेप फ्रंट से और एक एक ग्रेप बैक साइड से कम होता जाएगा। अभी देखें जी, ये मैंने बना लिया है दोनों फ्रंट एंड बैक साइड के तीन तीन बना लिए हैं और अब इनको मैं जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे। ये देखें, फ्रंट का बनाया है, अभी ये बैक का बनाया है और इसको यहाँ पर जॉइंट करना है। ठीक है जी, दोनों बना के इसको यहाँ पर, ये मैंने लास्ट तक बना लिया है। ये देखें, ये एक फ्रंट का है और एक बैक का है। ठीक है जी, यहाँ इनको भी जॉइंट कर देंगे, थ्री वाले के बाद टू वाले और टू के बाद मैंने ये वन वाला भी बना लिया और इसको मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। अब जब आप इसको बनाते जाएंगे, आप फर्स्ट सेकंड रो बनाएंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने हर रो में कैसे एक एक दरमियान वाला गैप स्किप करते जाना है, तो ये आपके ग्रेप्स कम होते जाएंगे। और ये देखें जी, एंड तक ये इस शेप में, बहुत ही प्यारी शेप में आपका एक प्यारा सा किचन ग्रेप्स की शेप में रेडी हो जाएगा। तो आपने इसको, इसकी जो वूल के आपके छोटे वाले पीस स्टार्टिंग के बच्चे हैं, रैंड के बच्चे हैं, उनको आपने कट ऑफ करना है, उनको आपने अंदर की तरफ जॉइंट करना है और फिर आपने इसके ऊपर एक होल्डर बनाना है। तो वो होल्डर कैसे बनाना है और इनको कट ऑफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने उनको अपने थ्रेड्स को जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर हम दोबारा से वूल को, ग्रीन वाली वूल को अटैच करेंगे। ये सिंपल तरीके से मैंने इसका एक, इसके अंदर स्लिप स्टिच लेके तो चेन्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये देखें जी, ये चेन्स बनाते जाएंगे हम। मैंने तकरीबन यहाँ पर 18-19 इतनी ही चेन्स ली हैं। आप तो जितनी चाहें, जितना बड़ा आपने होल्डर या जितना छोटा बनाना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे। ये देखें जी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इस साइड पर हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देना है। ये देखें जी, ये जॉइंट हो गया, एक चेन ली हमने और इसको यहाँ से वूल को काट दिया। अब इसको कैसे, दोनों साइड की वूल्स को हमने कैसे छुपाना है, कैसे ख़त्म करना है, बंद करना है अंदर की साइड पर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके अंदर से एक 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 लूप के अंदर से ये ऐसे करके इसको निकालते जाएं, डबल क्रोशियाज़ के अंदर से। दूसरी साइड वाले को भी लेकर आएँ, उनको दरमियान में इकट्ठा एक ही डबल क्रोशियाज़ के दरमियान में ले आएँ। इधर से भी हम लेते आएँगे और दूसरे वाले साइड से दूसरे वाले को भी लेते आएँगे। जब दरमियान में ये एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप इनको दो तीन नाटें लगा के अच्छी तरह जॉइंट करें और फिर इनको आप कट ऑफ कर दें और अंदर की साइड पर कर दें जी। तो ये बिल्कुल भी आपको फिर बाद में नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड पे करते हैं, हमने अच्छी तरह जॉइंट लगा दिया है और इसको अंदर की साइड पे यूं निकालेंगे और फिर यहाँ से हम काट देंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारा आपका ये किचन हो गया है रेडी। अब आप इसको किसी भी पाउच के ऊपर, किसी बैग वगैरह के ऊपर लगा सकते हैं, आप इसको कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें एंड काइंडली अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।